दोस्तों, होटल जैसा वेज मंचूरियन या मंचूरियन पकौड़े घर पर नहीं बनते हैं तो आप बनाते समय मेरी कुछ बातों का ध्यान रखिए और देखिए, मंचूरियन में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा और स्वाद में किसी रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका होम रेसिपी चैनल में स्वागत है। तो फिर चले ड्राई मंचूरियन बनाना शुरू करें। दोस्तों, घर पे परफेक्ट मंचूरियन बनाना है तो आप जितना हो सके उतना पत्ता गोभी को इस तरह बारीक बारीक काट लेने की कोशिश करिए। क्या है कि घर पे मंचूरियन बनाते समय ज़्यादातर लोग पत्ता गोभी को कद्दूकस करके लेते हैं और गोभी में मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होने के कारण कद्दूकस करने से पानी ज़्यादा रिलीज होगा। चाहे आप कितना भी निचोड़ निचोड़ कर पानी निकालने की कोशिश करिए, फिर भी उसमें पानी बच ही जाएगा। तो उसके कारण मैदा ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैदा ज़्यादा बोले तो मंचूरियन फेल, यानी कि परफेक्ट नहीं बनेंगे। इसीलिए थोड़ा बहुत समय लगेगा तो भी इस तरह बारीक बारीक काट लीजिए। और काट लेने के बाद दोस्तों, ये लगभग 3 कटोरी पत्ता गोभी है। अब इसके साथ आप आपकी मर्जी के हिसाब से, यानी कि गाजर को भी बारीक बारीक काट कर डाल सकते हो। क्या है कि बाजार में जो मंचूरियन मिलता है उसमें ज़्यादातर सिर्फ पत्ता गोभी का ही इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं पर ही गाजर का इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा। तो घर में बनाना है तो थोड़ा सा गाजर भी डालिए। अब बारीक कटे हुए 6 से 7 लहसुन, बारीक कटा हुआ 1 इंच अदरक का टुकड़ा, नहीं तो आप अदरक लहसुन की पेस्ट भी डालेंगे तो भी चलेगा। अब बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची डालकर स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब 1.5 से 2 चम्मच टोमेटो केचप डालना है ताकि ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। अभी ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालने वाला हूँ, आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। अब डालेंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर। दोस्तों, कभी भी मंचूरियन बनाते समय मैदे की क्वांटिटी 60% और कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी 40% रखिए। यानी कि अगर आप 5 चम्मच मैदा यूज़ करते हो तो उसी चम्मच से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालिए। तो यहाँ पर मैंने लगभग 8 चम्मच मैदा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। अब बिना पानी डाले इसे मिलाते हुए हल्का हल्का रगड़ रगड़ कर डो बनाएंगे। ज़्यादा जोर लगाकर ना मसले, नहीं तो पानी छूट कर ज़्यादा मैदा डालने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हल्का हल्का मसलते हुए डो बनाइए और इस तरह सूखा सूखा लगे तो और थोड़ी देर मसल कर ले, लेकिन पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ये देखो आप, इसमें मैंने टोटल 10 चम्मच मैदा और 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के ऐसा डो बनाया है। और बनाने के बाद आप ध्यान रखिए कि डो को रेस्ट नहीं देना है, बल्कि तुरंत फ्राई करके लेना है, नहीं तो डो लूज़ बनते जाएगा और आप मंचूरियन सही तरीके से नहीं बना पाओगे। इसीलिए इस तरह के छोटे छोटे बॉल्स बना के या फिर भजी जैसा तेल में छोड़ते जाइए। तो इसे फ्राई करते समय शुरुआत में हमें तेल ना ज़्यादा गर्म चाहिए ना ज़्यादा ठंडा, बल्कि मीडियम गर्म करके तेल में छोड़ते जाइए, क्योंकि ज़्यादा ठंडे तेल में नीचे चिपकने के ज़्यादा चांसेस होंगे और गर्म तेल में बाहर से जल्दी फ्राई होकर अंदर से कच्चे ही रहेंगे। और हाँ, अगर आप गोल गोल बनाते हो तो ज़्यादा बड़े ना बनाएं, क्योंकि वो अंदर से कच्चे रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस समय फ्लेम को मीडियम रख कर क्रिस्पी बनने तक फ्राई करना है। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि ये एकदम बढ़िया फ्राई होने लगे हैं और दिखने के लिए भी मस्त दिखने लगे हैं। तो इसे आप ऐसे ही मंचूरियन पकौड़े की तरह भी खाएंगे तो ये खाने में टेस्टी ही लगेगा। आप वीडियो में देख सकते हो कि ये तेल के ऊपर तैरने लगे हैं, यानी कि ये फ्राई हो चुके हैं। अभी इसे निकाल के साइड में रख कर हम सॉस बनाते हैं। तो उसके लिए पैन में 2 से 3 चम्मच तेल डालकर पहले डालना है बारीक कटे हुए 6 लहसुन, बारीक कटा हुआ 1 इंच अदरक और तीखा कम या ज़्यादा कैसे खाना पसंद करते हो उस हिसाब से हरी मिर्ची डालिए और सबको एक साथ हल्का सा सुनहरा कलर आने तक भून कर ले। और जब सुनहरा कलर आ जाए तब डालना है स्लाइस में कटा हुआ 1 छोटा प्याज और स्लाइस में कटी हुई 1 शिमला मिर्च डाल के प्याज शिमला सॉफ्ट होने तक चम्मच चलाइए। अब इस स्टेज पे हमें इसमें डालना है स्वादानुसार नमक, 2 चम्मच टोमेटो केचप,
और आधा चम्मच सोया सॉस डाल के कुछ सेकंड तक चम्मच चलाएंगे। और ऐसे चम्मच चलाने के बाद इसमें डालना है लगभग आधा कप पानी। तो पानी में चम्मच चलाते हुए एक बढ़िया सा उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। और जैसे ही उबाल आ जाए तब फ्राई किए हुए मंचूरियन को डालकर गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो करके इसे अच्छे से मिलाना है। अब लास्ट में बारीक कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन यानी कि हरा प्याज डाल के थोड़ा हरा धनिया डालिए और फिर से अच्छे से मिलाकर रेस्टोरेंट जैसा घर पे बना के मंचूरियन खाने का मज़ा उठाइए। तो फिर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।